हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS4 गाड़ी के बूस्ट प्रेशर सेंसर के बारे में। बूस्ट प्रेशर सेंसर जो होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर इनटेक एयर का प्रेशर, मतलब पिस्टन पे जो हवा है जा रही है उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें बताने का ECM को काम करता है। वो ख़राब होता है तो अलग अलग परिस्थितियों में ख़राब होता है। अगर वो बिगड़ जाए तो टाइमिंग जो होता है फ्यूल स्प्रे का, वो टाइमिंग तो रहेगा लेकिन उसके फ्यूल स्प्रे होने की क्वांटिटी पे असर डालता है। वो किस तरह से कि गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और बूस्ट प्रेशर सेंसर बता रहा है कि इतनी प्रेशर से हवा जा रही है और उसका टेम्परेचर इतना है, तो उसी हिसाब से इंजेक्टर जो है ECM से सिग्नल लेने के बाद वो इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे कर पाता है और वो फ्यूल स्प्रे करने का काम ECM करवाता है। अगर बूस्ट प्रेशर सेंसर गाड़ी स्टार्ट रखेंगे और वो ख़राब है तो अलग अलग परिस्थितियों में ख़राब होता है। जैसे वो हाई वैल्यू पे जाके ख़राब हो गया, हाई वैल्यू मतलब 1600 मिली बार एम बार पे, उसका मैक्सिमम बताने का लगभग 1350 एम बार का प्रेशर बताता है फुल रेस करने पे, 2700 के ऊपर, 2725, 2750 RPM जाने पे वो इतने का प्रेशर बताता है। लेकिन अगर वो 1600 एम बार का प्रेशर बता रहा है गाड़ी स्टार्ट होने पे, आइडल पे और आधा रेस करने पे और फुल रेस करने पे सेम रीडिंग रहता है, तो समझ लीजिए कि बूस्ट प्रेशर सेंसर खराब हो चुका है। और साथ साथ में वो टेम्परेचर भी, उस प्रेशर वाली हवा का टेम्परेचर भी बताने का काम करता है। तो अगर 1600 m bar का प्रेशर बता रहा है और टेम्परेचर सही बता रहा है तो उसका आधा भाग खराब हो जाता है, आधा भाग हाई वैल्यू पे खराब हुआ है, मतलब वो 1600 m bar पे जाके अटक गया है। गाड़ी बंद करो तो भी उतना ही बताएगा, गाड़ी स्टार्ट करो तो भी उतना ही बताएगा, 50% एक्सीलेशन देने पे भी उतना ही बताएगा, मतलब वो ख़राब है। उसी में कभी क्या होता है कि वो वैल्यू लो वैल्यू पे ख़राब हो गया। बूस्ट प्रेशर उसमें दो सेंसर हैं, एक टेम्परेचर के और एक प्रेशर का, तो प्रेशर वाला अगर लो वैल्यू पे ख़राब होता है, तो ऐसी ही एक गाड़ी हमारे पास कल आई थी तो उसका हमने काम किया। उसमें कई काम थे, मॉल फंक्शन इंडिकेशन लैंप जल रहा था, तो उसमें HFM सेंसर का भी फॉल्ट था, वायरिंग शॉर्टेड टू हाई सोर्स ऐसा बता रहा था वो। उसका हमने HFM सेंसर खोल के हवा मार के साफ़ किया, वो वायरिंग के सब सॉकेट निकाल के साफ़ किए। लेकिन साथ साथ में इसमें वीडियो में हमने दिखाया है कि लो प्रेशर पे जब खराब होता है बूस्ट प्रेशर सेंसर तो वो कैसे मालूम पड़ता है, और स्कैन में जब पैरामीटर चेक करेंगे तो गाड़ी बंद रहेगी तो भी वैल्यू कम बताएगा, स्टार्ट रहेगी तो भी वैल्यू कम बताएगा, रेस रहेगी तो भी वैल्यू कम बताएगा, गाड़ी अगर रनिंग है तो भी वैल्यू कम बताएगा। तो उसको हमने खोल के साफ़ किया, साफ़ करने के बाद जब लगाया तो फिर से वैल्यू उतना का उतना ही है, मतलब वो स्टक हो गया था, जाम, उसकी जानकारी वहीं पे जाम हो गई थी। तो फिर हमने नया सेंसर जब लगाया तो गाड़ी स्टार्ट करने पे, इस पहले तो आइडल पे स्टार्ट करेंगे तो वो 99 bar का, सॉरी 99 kPa का, ये इसमें BS4 में, इसमें kPa में बता रहा था हमारा स्कैनर, वो एम बार में भी बताता है, kPa में भी बताता है, दोनों में वैल्यू सेम ही आती है, बस खाली काउंटिंग बढ़ जाता है, घट जाता है। तो 98 और 99 kPa का प्रेशर बता रहा था। जब गाड़ी को 50% एक्सीलेशन देते थे तो वो 122 128 पे जा रहा था, और जब उसको फुल रेस कर रहे थे तो वो एक बार 190 और 187 भी गया था, ऐसे 186 और 164 162 kPa का प्रेशर बताने लगा, मतलब वो बदली करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कभी भी अगर कोई बूस्ट प्रेशर सेंसर खराब होता है तो ऐसा नहीं कि 1600 m bar का प्रेशर बता रहा है तो खराब है और कम बता रहा है तो खराब नहीं है। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है
की वैल्यू कम भी बताता है, खराब कई परिस्थितियों में होता है, कम में भी और ज़्यादा में भी। तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी काम जो किए थे उसका वीडियो डाले हैं, तो वो भी दिखाते हैं। 700 आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट है और रेस करने पे आइडल पे ये 19 केपीए पे ही अटका हुआ है। थोड़ा रेस करो, बस बस छोड़ो। ये रेस करने पे आरपीएम तो बढ़ता है, लेकिन ये 19 केपीए पे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर लॉक हो गया है और ये बढ़ नहीं रहा है। ये मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है और ये चार वायर का आता है। चार वायर में क्या है कि एक ग्राउंड होता है और एक रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट का करंट जाता है और दो रिटर्न सिग्नल आते हैं। एक टेम्परेचर बताता है, यहाँ मैनिफोल्ड पे जो मैनिफोल्ड के ऊपर जो हवा है उसका एक टेम्परेचर का सिग्नल ईसीएम को जाता है, एक प्रेशर का। टेम्परेचर वाला 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, लेकिन प्रेशर वाला जो है वो 19 केपीए पे अटका हुआ। 19 केपीए मतलब अगर हम मुँह से फूंक मार देंगे तो वो भी 100 केपीए के ऊपर हो जाता है। इन सब इसी का आधा हिस्सा काम कर रहा है, आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो नीचे से बारिश में पानी लगने से वो सेंसर ख़राब हो सकता है, तो उसको खोल के हम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद फिट करेंगे। फिट करने के बाद उसका रीडिंग देखेंगे। खोलने के लिए ये वायर निकाल लेना है और ये 10 नंबर का बोल्ट और ये बाहर निकल जाएगा। ये बोल्ट खोलने के बाद इस तरह से निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइट निकलता है तो हल्का स्क्रू ड्राइवर से दबा लेना है। ये जो रिंग होती है एकदम टाइट फिटिंग होती है होल के अंदर, और ये हमने निकाल लिया है। इसकी हालत पंचर हो गई है, ये नीचे से पूरा डस्ट दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से एकदम ब्लैक ब्लैक। तो इसको साफ करके लगाएंगे और ये प्रेशर बताने वाला भाग इसका जाम हो चुका है, तो इसको हम पेट्रोल से धोएंगे और फिर हवा मारेंगे फिर लगाएंगे। ये सेंसर को हमने धुलाई करके हवा मार लिया और ये इस तरह से सभी तरफ से साफ हो गया है और इसके पॉइंट भी जो जाम थे वो क्लियर हो गए हैं। इसको अब गाड़ी में लगाते हैं। ये सेंसर को साफ करने के हमने फिटिंग कर लिया है और गाड़ी स्टार्ट है 700 आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट है और रेस करने पे आइडल पे ये 19 केपीए पे ही अटका हुआ है। थोड़ा रेस करो, बस बस छोड़ो। ये रेस करने पे आरपीएम तो बढ़ता है, लेकिन ये 19 केपीए पे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर लॉक हो गया है और ये बढ़ नहीं रहा है। सेंसर को साफ कर लिए हैं, अब दूसरा सेंसर लगा के भी चेक कर लेंगे। ये बूस्ट प्रेशर सेंसर जो है ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर 19 केपीए पे स्टक हो गया था, मतलब जाम हो गया था। उसको हमने साफ करके डाला था तो भी 19 केपीए से न बढ़ता था न घटता था। गाड़ी बंद करने पे घटना भी चाहिए, तो वो अभी बदली, नया साफ करने के बाद तो नहीं हुआ लेकिन चेंज कर दिए हैं। तो ये 98 और 99 केपीए दिखा रहा है। अब रेस करने पे बढ़ना चाहिए और एक्सीलेटर छोड़ने पे घटना चाहिए। रेस करो, बस 187 केपीए तक गया था और ये अभी 105, 101, 99 और ये आइडल पे 99 पे अटका हुआ है। मतलब उसी सेंसर के दो भाग थे, जो टेम्परेचर भी बताता था एक, और दूसरा प्रेशर मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बताता था, और एक इनटेक एयर का टेम्परेचर बताता था। वही सेंसर का दो काम होता है। दूसरा काम जो हो रहा था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये बता रहा था, लेकिन ये स्टॉक था, जाम था। ये अभी सही हो गया है